तो भैया दो बस, दो मेट्रो और 1.5 घंटा ट्रैवल करने के बाद अब फाइनली साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी SFU पहुंच गए हैं। तो भैया आज का जो व्लॉग है ना वो होने वाला है थोड़ा सा इन्फॉर्मेशनल व्लॉग, लेकिन वही मेरे सिनेमैटिक चस्के के साथ में। और आज ना मैं साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ SFU, और ये कोई ऐसी वैसी यूनिवर्सिटी नहीं है। ये यूनिवर्सिटी कनाडा के 9th या 10th रैंक पे आती है एंड काफी बढ़िया यूनिवर्सिटी है। और एक टाइम पे मैं भी इस यूनिवर्सिटी के अंदर था, अब नहीं हूँ, लेकिन वो कहानी मैं आगे जाके बताता हूँ, मतलब आगे बताता हूँ ब्लॉग के अंदर। और अभी तो फिलहाल बस मैं उठा हूँ, आपको मेरी शक्ल देख के लग रहा होगा, और अभी हम रेडी होने जाएंगे। और एक चीज है, इस व्लॉग में मेरी दाढ़ी को इग्नोर करना, बहुत ज्यादा बढ़ रखी है, पर मेरे पास ना जॉब की वजह से टाइम ही नहीं था उसको कटवाने का, तो इग्नोर दिस। तो भैया बस हम घर से निकल गए हैं, और आज का व्लॉग शुरू करने से पहले ना मेरा मन था कि छोटा सा एक इंट्रो कर दूं अपना, बिकॉज होता क्या है कि जो इन्फॉर्मेशनल व्लॉग्स होते हैं उन पे कंपैरेटिवली थोड़े से ज़्यादा नए व्यूअर्स आ जाते हैं कंपेयर टू अ पर्सनल लाइफ व्लॉग। सो यार मेरा नाम नमन है और मैं वैंकूवर कनाडा के अंदर रहता हूँ। मैं यहाँ पे छोटे मोटे व्लॉग्स बनाने की कोशिश करता हूँ, कुछ अपनी पर्सनल लाइफ के ऊपर, कुछ थोड़े से इन्फॉर्मेशनल जैसे कि आज वाला है, और बाकी बस यही है, ज़्यादा कुछ है नहीं बताने को। और हम चलते हैं बस अब SFU की तरफ। अभी मेरे घर से SFU का रास्ता 1.5 घंटे का है, और मुझे लग रहा है मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया हूँ, बिकॉज 12:30 हो गए और मैं 2 बजे तक वहाँ पहुँचूंगा। मेरे पास 2 घंटे होंगे शूट करने के लिए सब कुछ, बिकॉज 4 बजे मुझे SFU से निकलना है, क्योंकि SFU से मेरे जॉब का रास्ता 1 घंटे का है और मेरी जॉब 5 बजे है। और बाकी मेरी अब बस आ गई है, तो मैं करता हूँ बाद में बात। ये देखो मेरी किस्मत तो बुरी है ही, तो मेरा अभी मैं रास्ते में था और मेरा माइक टूट गया, और ना मतलब यहाँ पे ये माइक, यहाँ पे इसका स्विच था जो आईफोन के अंदर जाता था, तो वो टूट गया। और कोई नहीं, बट आज की जो वीडियो होगी वो मेरे आईफोन के माइक के थ्रू होगी। आई विल इम्प्रूव द ऑडियो इन एडिटिंग, बट अगर कहीं पर ज़्यादा दिक्कत आ जाए तो आप समझ जाना। और बाकी हाँ एक चीज़ और दिखाता हूँ, तो यार SFU की ना टोटल 3 कैंपसेज है, एक बर्नबी में है, एक डाउनटाउन वैंकूवर में है, और एक सरी के अंदर है। और ये वाला जो कैंपस है, ये अभी आपको SFU दिख रहा होगा वहाँ पे, वो ये सरी वाला है, लेकिन मैं आपको आज ये नहीं दिखा रहा, आज मैं आपको दिखाऊंगा मेन जो बर्नबी के अंदर है। ये तो बस मेरी अभी रास्ते के अंदर आता, तो मैंने आपको दिखा दिया। भैया फाइनली दो बस, दो मेट्रो और 1.5 घंटा ट्रैवल करने के बाद हम फाइनली साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी SFU पहुंच गए हैं। और वैसे तो मैंने सोचा था ये चीज़ मैं कैमरा पे नहीं बताऊंगा, बट अब मैं बता देता हूं कि यार मैं ना ये व्लॉग दूसरी बार शूट कर रहा हूं। आज से एक हफ्ते पहले मैं यहां पे अपने एक दोस्त के साथ बास्केटबॉल खेलने आया था, तो मैंने सोचा था कि मैं बास्केटबॉल खेलते खेलते उसके बाद साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी SFU पूरा आपको दिखा दूंगा। बट हुआ क्या कि मैंने अपने फुटेज लैपटॉप में ट्रांसफ़र करी, जब तो हाफ फुटेज ट्रांसफ़र हुई हाफ नहीं हुई, और ये चीज़ मुझे पता ही नहीं चली, और मैंने अपने फ़ोन से फिर सारी फुटेज रीड मार दी। तो यार बस अभी ना एक दिक्कत है कि ये ना यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है, और यहाँ के ना मैं आपको पूरा टूर नहीं दे सकता, मुझे बल्कि सारे रास्ते भी नहीं पता। अभी मैं रास्ते फिगर आउट कर रहा हूँ कि मुझे कहाँ जाना है, बिकॉज जब मैं लास्ट टाइम यहाँ पे आया था तो मानव मेरे साथ था, ये देखो सुंदर नहीं है वैसे, हाँ मैं ये कह रहा था लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पे आया था मानव मेरे साथ था, तो उसने मुझे सारे रास्ते बता दिए थे क्योंकि वो यहीं पे रहता है। और मैं यहाँ पे जब पढ़ता था तो मेरी ना क्लासेस एक दूसरी साइड में होती थी, क्योंकि यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है, तो मैं इस साइड में कम आया, तो मैं भी थोड़े रास्ते फिगर आउट करता हूँ, तब तक आप थोड़े SFU के ड्रोन शॉट्स मिल जाएगा।
तो भैया जैसे कि अभी आपने ड्रोन शॉट्स में देखा, कुछ ज़्यादा ही सुंदर एरिया है। और मैंने भी ना ड्रोन शॉट्स पहली बार लिए हैं यहाँ के, बिकॉज जब मैं लास्ट टाइम एक हफ्ते पहले आया था तो मैंने ड्रोन नहीं लाया था। मैं उस टाइम सिर्फ बास्केटबॉल खेलने और थोड़ा बहुत आपको ऐसे भी ऊपर ऊपर से दिखाने आया था। मतलब उस टाइम मैंने नहीं सोचा था कि मैं प्रॉपर इन्फॉर्मेशनल वीडियो बनाऊंगा, बट अब जैसे मैं ड्रोन लाया हूँ, मैंने ड्रोन शॉट्स देखे, वो क्या सुंदर एरिया है। और मैं इस यूनिवर्सिटी में था, मुझे पता ही नहीं था ये यूनिवर्सिटी इतनी सुंदर है। और बाकी ना मुझे अभी एक बड़ी वियर्ड सी फीलिंग आ रही है, बिकॉज जो भी आप ये पूरा एरिया देख रहे हो ना, ये आप देखो पहले, ये पूरा एरिया ना ये स्टूडेंट से भरा रहता था, क्योंकि प्री कोविड टाइम्स जब कोविड का नाम किसी ने सुना ही नहीं था। और अभी पूरा एरिया खाली है। और यार बाकी ना मैं आज आपको इस यूनिवर्सिटी का पूरा टूर वो नहीं देने वाला, बिकॉज यार ये यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी है कि मैं आपको टूर दे ही नहीं सकता पूरा इसका। ये है कि आज मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा इस यूनिवर्सिटी में के अंदर, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है। और बाकी ना ये मेरी फेवरेट जगह है इस पूरी यूनिवर्सिटी की, बिकॉज यहाँ पे आगे भी पानी पीछे भी पानी, और ये काफ़ी सुंदर है। और यार अब बात करते हैं मेरी, आज से 2 साल पहले मैं कनाडा आया था, और उस टाइम पे मैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर आया था। उस टाइम पे मैं बिजनेस एंड कम्युनिकेशन की डिग्री कर रहा था, और मैंने वो 1 साल की थी, और फर्स्ट ईयर करने के बाद मैंने वो डिग्री छोड़ दी थी, बिकॉज मैं समझ आ गया था कि ये वो कोर्स नहीं है जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ। मेरे को इंटरेस्ट था फिल्म मेकिंग में, और वो बात अलग है कि अभी मैं फिल्म मेकिंग नहीं कर रहा, अभी मैं ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहा हूँ दूसरे कॉलेज से। बट आज की वीडियो में मैं आपको अपना यहाँ का 1 साल का एक्सपीरियंस बताऊँगा। क्या बात है, एक टेक में इतनी जल्दी जल्दी बोल दिया। और जो यार आप ये स्टैचू देख रहे हो ना, भाई साहब का नाम है टेरी फॉक्स, और आपने ड्रोन शॉट्स में ना एक स्टेडियम देखा होगा, फुटबॉल स्टेडियम। वो फुटबॉल स्टेडियम इनके नाम पे है, क्योंकि इन्होंने मैराथन लड़ी थी, और इनका ना, और वो जीते भी थे मैराथन में, और इनका एक पैर था सिर्फ। तो इट्स अ बिग थिंग। एक तो मैं इतना बड़ा गधा हूँ ना यार, कि 1 साल यहाँ पे पढ़ने के बाद भी मैं ये चीज़ भूल गया कि ये यूनिवर्सिटी पहाड़ों पे है और यहाँ पे ठंड होती है। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे आजकल ठंड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा गर्मी का मौसम शुरू हो गया, लेकिन ये जो जगह है ये थोड़ी पहाड़ों पे है, तो यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा ठंड रहती है। और अभी यहाँ पे बड़ी तेज़ से हवा चल रही है और मुझे ठंड लग रही है, और मैं जैकेट नहीं लाया, शाबाश। और मैं अभी थोड़ा देखता हूँ कि लाइब्रेरी खुली होगी, तो लाइब्रेरी में चलते हैं और वहाँ बैठ के, क्योंकि ठंड नहीं लगेगी वहाँ पे अंदर बैठने के बाद, वहाँ बैठ के फिर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। तो यार अभी ना लाइब्रेरी बंद पड़ी है, एक्टिविटी सेंटर बंद पड़ा है, और एक मैगी वेंशन सेंटर है यहाँ पे, वो भी बंद पड़ा हुआ है। तो मुझे अभी यहाँ पे आपको ठंड में बैठे बैठे अपना एक्सपीरियंस बनाना पड़ेगा। और मुझे समझ भी आ रहा है कि ये पूरा एरिया खाली क्यों है इतना ज़्यादा, बिकॉज सब कुछ ही बंद पड़ा है कोविड के चक्कर में। और यार 1 साल के एक्सपीरियंस में जाने से पहले ना मैं आपको एक अपने बारे में छोटी सी चीज़ बताना चाहता हूँ। मैं एक ऐसा स्टूडेंट रहा हूँ अपनी लाइफ टाइम, मतलब नर्सरी से लेकर 12th तक, जो ना एग्जाम के 1-2 हफ्ते पहले पढ़ाई शुरू करता था, और फिर भी डिसेंट नंबर स्कोर कर लेता था। जैसे कि मेरे 12th में 88% आए थे CBSE बोर्ड में, और 10th में ICSE बोर्ड में मेरे 85% आए थे, तो वो मेरे लिए बड़े अच्छे थे। तो यार मैंने जब यहाँ पे आया, तो मैंने ना फर्स्ट सेमेस्टर में ये चीज़ रियलाइज़ करी थी कि यार अगर मैं सेम चीज़ यहाँ पे करूँ तो मैं नहीं अच्छे स्कोर कर पाऊंगा नंबर, बिकॉज मेरे ना फर्स्ट सेमेस्टर में 4 कोर्सेज थे मेरे पास, कोर्सेज मतलब कि सब्जेक्ट्स, 4 सब्जेक्ट्स थे। तो उनमें से एक में तो मैं लुढ़क के गया था, और तीनों में जस्ट पास हुआ था। और क्योंकि मैंने वही किया था कि मैं लास्ट मिनट में पढ़ाई शुरू करता था, और फिर वो हो नहीं पाती थी। तो यार ये मेरी एडवाइस है, अगर आप यहाँ पे आ रहे हो, या आप कहीं भी या आप किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो कनाडा के अंदर, तो आपको पूरी ना अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी पूरा टाइम। मतलब ये नहीं कह रहा कि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, लेकिन आपको रेगुलरली पढ़ाई करनी पड़ेगी, वरना पासिंग नंबर तो आप ले आओगे फिर भी किसी तरीके से, बट उससे ज़्यादा आना मुश्किल हो जाएगा। ऑनलाइन हो तो बात अलग है, ऑनलाइन में तो कुछ भी हो जाता है, ऑनलाइन में फ़र्क नहीं पड़ता। बट हाँ, ये एक मेरा एक्सपीरियंस है। और यार अगर आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर बात करें, तो यार ये मेरे हिसाब से तो ये यूनिवर्सिटी बहुत ही बढ़िया थी। शायद अगर जब मैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर था तब मेरे से कोई ये चीज़ पूछता तो मैं सेम चीज़ नहीं बोलता, बट अब मैं छोड़ने के बाद ये चीज़ बोल सकता हूँ, ये यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी थी। मेरे को यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जगह से आपको बच्चे मिलेंगे, लाइक कुछ मेरे को आज भी याद है, कुछ बच्चे ईरान से थे, कुछ इराक से थे, कुछ चाइना से थे, कुछ नेपाल से थे, कुछ ऑस्ट्रेलिया से थे, और इंडिया से तो थे ही थे। और उसके अलावा यहाँ के क्राउड मतलब बहुत अच्छा है, उसके अलावा यहाँ की फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है। मुझे आज भी याद है, जो पीछे आप लाइब्रेरी देख रहे हो, अपना पीछे लाइब्रेरी है जो बंद पड़ी अभी, इस लाइब्रेरी में हम जाते थे, हम अपने ग्रुप प्रोजेक्ट्स करते थे, तो ना हम लाइब्रेरी में जाके बैठ जाते थे। और ये ऐसी छोटी मोटी लाइब्रेरी नहीं है, 4 फ्लोर की लाइब्रेरी है, और 4 फ्लोर डिफरेंट डिफरेंट रूल्स हैं। लाइक जैसे 4th फ्लोर है वो सिर्फ साइलेंट है, मतलब आप वहाँ पे बोल नहीं सकते। 3rd फ्लोर है मतलब कि आप थोड़ा बहुत बोल सकते हो, थोड़ा बहुत नहीं बोल सकते। 2nd फ्लोर आप बातें बातें सब कर सकते हो। 1st फ्लोर पर फैसिलिटीज़ है, प्रिंटिंग एंड ऑल ये सब चीज़ें की फैसिलिटीज़ है। आप लाइब्रेरी में जाके लाइब्रेरी का लैपटॉप रेंट कर सकते हो, मतलब आप जाओ अपने रिसेप्शन पे, उनको बोलो कि मुझे लैपटॉप चाहिए रेंट करना है, आप सिर्फ मतलब ना अपना यूनिवर्सिटी का कार्ड दिखाओगे, वो आपको लैपटॉप दे देंगे, जो आपको रिटर्न करना होता है विद इन सम आवर्स।
तो मेरे को आज भी याद है कि हम ग्रुप प्रोजेक्ट्स में यहाँ बैठते थे और बड़ा मजा आता था, मस्ती मजाक करते करते हम प्रोजेक्ट करते थे, इंजॉय करते थे और मजा उसका एक फील थी। उस टाइम पे अगर सेम चीज़ मेरे से पूछते तो मैं बोलता यार बेकार है, कोई मत मत आओ यहाँ पे। पर जब मैंने ये यूनिवर्सिटी छोड़ दी तो मैंने रियलाइज करा कि हाँ यार इस यूनिवर्सिटी के जो टाइम था उसको मैं काफ़ी मिस कर रहा था यूनिवर्सिटी छोड़ने के बाद। तो इट्स अ प्रीटी गुड यूनिवर्सिटी, अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो मेरी एडवाइस आ रहा है बढ़िया। यार यूनिवर्सिटी का तो हो गया है और अब मैंने अब इसके बाद जाना है जॉब पे, तो मैंने सोचा पहले से पहले कुछ खा लेता हूँ बिकॉज ना भूख लगी हुई है बहुत तेज, बस सुबह से कुछ नहीं खाया। सुबह सुबह उठते मैं यहाँ निकल गया इसके लिए तो कुछ खाया नहीं था। बस 5:30 घंटे के बाद मेरी जॉब है और बस इसके बाद वहाँ चलते हैं और फिर आपको थोड़ा बहुत मैं अपना जॉब का भी दिखाता हूँ आज। तो यार बस मैं यहाँ से निकल रहा था तो मेरे को एक लास्ट चीज़ याद आ गई, तो मैं सोचा आपको बता दूँ। यहाँ पे ना नीचे जाके एक कॉलेज आता है FIC नाम का, उसका फुल फॉर्म है फ्रेजर इंटरनेशनल कॉलेज। तो बेसिकली वो कॉलेज SFU से टाइड अप है, तो होता क्या कि आप फर्स्ट ईयर FIC में कर सकते हो और सेकंड ईयर में आप ट्रांसफर ले सकते हो SFU में। अगर आपको किसी भी रीजन से SFU में एडमिशन नहीं मिला फॉर ईयर, हो सकता है आपकी मार्क्स की वजह से, हो सकता है आपने थोड़ा लेट हो गया एडमिशन लेते लेते, तो आप फर्स्ट ईयर FIC से करो और आपकी कोर्स की एक रिक्वायरमेंट होगी कि आप इतने नंबर ले आओगे तो आपको SFU में ट्रांसफर मिल जाएगा। तो अगर आपके उतने आ गए तो आपको बिना किसी दिक्कत के डायरेक्टली सेकेंड ईयर में SFU में ट्रांसफ़र मिल जाएगा। तो ये भी एक तरीका होता है SFU में एडमिशन लेने का। और बस मैं अब जॉब की तरफ निकल रहा हूँ। आप तो यार जॉब पे हम आ गए और हमने चेंज कर लिया और हम सीधा जॉब पे जाएंगे। और जॉब पे आते हुए मैं बीच में कोई ब्लॉग नहीं किया बिकॉज मैं बहुत लेट हो रहा था और मैं ऑलरेडी लेट हूँ। तो बाय। तो यार बस मेरी अभी जॉब की ब्रेक चल रही है और मैंने अभी 2 चिकन रैप्स खाए और मेरे को इतनी भूख लगी हुई थी ना बिकॉज सुबह से जो आपने टमाटर्स में देखा था सिर्फ वही खाया हुआ था और अभी बज रहे हैं रात के 9। वैसे तो देख के लग नहीं रहा होगा कि 9 बजे हैं बट वैंकूवर में थोड़ा सा अंधेरा समझ के टाइम पे लेट होता है, लाइक 9:30-10 बजे तक जाके अंधेरा होता है। तो अभी बस वो अंधेरे से पहले वाला टाइम चल रहा है। उसके अलावा यार क्या कहते हैं, मेरे को एक बात बतानी थी आपको कि मैंने सोचा एक चीज़ आज ना यार, मेरे को विद माई फ़ोन एंड ट्राईपॉड मैंने पूरा ब्लॉग किया, लाइक माइक मेरा स्टार्टिंग में ही टूट गया था। तो मुझे ना एक बड़ी अच्छी सी फीलिंग आई, जैसे मुझे बहुत पहले में आती थी, लाइक जब मेरे पास ना ड्रोन था ना गिम्बल था ना कुछ था, तब मुझे ऐसी फीलिंग आती थी व्लॉग करते वक्त। तो ये मेरे को बड़ा मज़ा सा आया। तो मैंने ऐसे ही सोची है कि आज से अगली 2 या 3 वीडियोस तक मैं ड्रोन यूज़ नहीं करूँगा बिकॉज ड्रोन की ना कहीं मेरे को डिपेंडेंसी बन गई है। लाइक हर वीडियो में मुझे पता है कि 30-40 सेकंड मेरे ड्रोन खा लेगा, तो वो एक डिपेंडेंस मुझे हटानी है। और बाकी तो बस यही है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी तो आपको पता क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड मिलते हैं हम नई वीडियो में जल्दी। बाय। ओह बड़ा ही वियर्ड फीलिंग है कि भैंस पूरा ही खा लिया है।